हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी प्रोटेक्ट डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल कमांड के बारे में कि सर्कल कमांड कैसे यूज़ होती है। अब सर्कल को यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आप टूल बार से यूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, या हम कमांड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब सर्कल के लिए कमांड यूज़ की जाती है सी एंटर। जैसे ही आप सी एंटर करते हो हमारे पास पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करोगे, देखो अब ये क्या पूछा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो पहला सर्कल होता है सेंटर रेडियस, वो हम सी एंटर करके सेंटर लेके यूज कर सकते हैं। अगर मुझे रेडियस नहीं लेनी है तो आप नीचे कमांड बार में जाओगे तो वहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायामीटर, या वो डायामीटर पूछेगा कि आप उसका डायामीटर ले सकते हैं। तो डायामीटर पे क्लिक करोगे तो वो डायामीटर पूछेगा। अब ये क्या पूछा है, स्पेसिफाई डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो स्टार्टिंग के जो दो सर्कल हैं, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर, वो कमांड के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सी एंटर करने के बाद, सेंटर लेने के बाद। अगर रेडियस लेनी है तो डायरेक्ट रेडियस ले सकते हो, अगर डायमीटर पूछा है तो डायमीटर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आप डायमीटर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है, अगर सी एंटर करते हो, अब सेंटर लेना नहीं है हमें, क्योंकि सेंटर लोगे तो हमारे पास दो ही टाइप चलेंगी, या तो सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है और। अगर थ्री पॉइंट लेना है तो 3P पे क्लिक कर सकते हैं, 2 पॉइंट लेना है तो 2P पे क्लिक कर सकते हैं, 10 10 लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब आप सेंटर लेने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है या तो सेंटर पॉइंट लो और, या तो ये ले सकते हो या इनमें से कोई आप यूज़ कर सकते हो। 3 पॉइंट लेना है तो 3P, 2 पॉइंट लेना है 2P, TTR लेना है तो T, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कमांड्स ले सकते हैं जो हमारे पास कमांड चलती है। अब आती है सेंटर रेडियस। देखो नाम ही बता रहा है, सेंटर पॉइंट और उसका कुछ रेडियस। अब रेडियस हो सकता है, मान लो मैंने 3 कर दिया तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, डबल होता है, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होगी, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज होने वाले सर्कल है, सेम एज इट इज सेंटर डायमीटर है, मतलब सेंटर पॉइंट और उसका कुछ डाया। अब सेंटर पॉइंट ले लिया और उसका कुछ डाया, अब डाया मैंने 6 कर दिया तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3। ये कॉमनली यूज होने वाले सर्कल हैं, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है, 2 पॉइंट। अब देखो नाम ही बता रहा है, अब ये जो 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है, इनको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है, अब ये नाम देखो, इसका नाम क्या बता रहा है, 2 पॉइंट। अब ये क्या करेगा, जो 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे उसके बीच में सर्कल बना देगा। अब इसमें ना आप रेडियस डिफाइन कर सकते हो ना डायमीटर डिफाइन कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, इसकी जो कमांड है, कमांड ये बता रही है कि 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सर्कल बनाएगा। अब 2 पॉइंट आपके पास लाइन के हो सकते हैं, 2 पॉइंट आपके पास सर्कल के हो सकते हैं, 2 पॉइंट आपके पास पॉलीगन के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। करेगा क्या, ये उन्हीं 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेगा और उनके बीच में सर्कल बना देगा। जैसे अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट पे, जैसे ही मैं 2 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देखो ये पूछता है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने फर्स्ट, अब ये देखो सेंटर उठा रहा है, इसका कोई और पॉइंट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग ऑफ है। अब ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट को लोकेट करना, ठीक है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट को लोकेट करना। ऑब्जेक्ट के पॉइंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अब इस सर्कल को मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें इसके पॉइंट्स नहीं उठा रहा। तो जैसे ही हम ड्राफ्टिंग सेटिंग पे जाते हैं तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का। अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और उनके सिंबल बनाए गए हैं कि एंड पॉइंट कैसे शो करेगा, मिड कैसे शो करेगा। तो ये आपको सेलेक्ट ऑल करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर लोगे, जब तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पे टिक नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगी। या इसके लिए कीवर्ड भी यूज़ किया जाता है F3, या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये सिंबल आता है F3 का, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये सिंबल दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट को लोकेट करना, उसका सेंटर, मिड, टेंजेंट, सारे पॉइंट्स को लोकेट करना, ठीक है। अब 2 पॉइंट की बात कर रहे थे, अब देखो इसमें वो सारे पॉइंट्स उठा रहा है, पहले नहीं उठा रहा था। क्यों नहीं उठा रहा था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास कुछ ही सिलेक्शंस होती हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग सारी ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफाई
फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल और सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो अब जो दो पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे उसके बीच में सर्कल बना देगा ना, उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो ना उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो आपका सर्कल होगा, ठीक है, जितने लाइनों के बीच दो पॉइंट्स के बीच का गैप होगा उनके अकॉर्डिंग सर्कल बना देगा। बट अगर मुझे एक प्रॉपर वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाना हो तो टू पॉइंट से नहीं बना सकता, क्योंकि जो जितना गैप होगा दो पॉइंट्स के बीच में उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेडियस और डायमीटर आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज थ्री पॉइंट है, ये भी क्या करता है, जैसे मान लो वो भी क्या करता है, वही तीन पॉइंट उठाएगा जो गिवन होंगे, उसके बीच में क्या करेगा सर्कल बना देगा। ठीक है, जैसे मान लो अब मैंने क्या किया, थ्री पॉइंट पे क्लिक किया और इसके तीन पॉइंट सिलेक्ट कर दिए, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस जो रेक्टेंगल है इसको कट कर रहा है या टच कर रहा है या काट रहा है, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस ये क्या करेगा, ना हम इसकी रेडियस डिफाइन कर पाएंगे ना डायमीटर, क्योंकि ये क्या करेगा, जो तीन पॉइंट्स आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग सर्कल बना देगा। ठीक है, क्योंकि जो तीन पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे जिस पोजीशन पे करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करेगा। तो इस चीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है टेंजेंट। अब मान लो मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ इसके अंदर बने, पर वो इसको रेक्टेंगल को कट ना करे, तो उसके लिए यूज किया जाता है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एंगल पे टच करते हुए पास करे उसको टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, अब आप इसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल टेन। अब टेंजेंट आप जहां मर्जी से सिलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये यहाँ पे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वही पॉइंट पिक करेगा जहाँ पे वो टच कर रहा होगा बॉडी को, कभी कट नहीं करेगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे सर्कल बनाना है आपको, यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, तो आप तीन टेंजेंट सेलेक्ट करोगे इसके बीच में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही उसी पॉइंट पे सर्कल बनाएगा जहाँ पे वो तीनों टच कर रहे होंगे। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एंगल पे टच करते हुए पास करे उसके लिए यूज किया जाता है टेंजेंट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेंटर रेडियस। ठीक है, जो ये ट्रिपल टेन है ये आपके पास ऐसी सिचुएशन में यूज हो सकता है, जैसे हम डोर बनाते हैं, डोर के ऊपर ये कर्व बना होता है, या मान लो हमने किचन बनाना है तो किचन के अंदर जो कर्व बना होता है, क्योंकि किचन में डोर नहीं रखा रखते, खाली एरिया रखना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो कर्व दिया जाता है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, या कोई डिजाइन बनाना हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेन टेन रेडियस। अब टेन टेन रेडियस देखो नाम ही बता रहा है, दो टेंजेंट और उसका कुछ रेडियस। अब दो टेंजेंट हमेशा कहाँ पे होंगे, इंटरसेक्शन में होंगे। जैसे यहाँ पे आपको मान लो दो की रेडियस का एक सर्कल बनाना है, तो इसमें क्या होगा, एक सर्कल दिया होगा उसका ना सेंटर गिवन होगा ना कोई रेडियस, ना सेंटर गिवन होगा उसका। अगर सेंटर गिवन होता है तो सेंटर के लिए आपको यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की वैल्यू दी जाती है, तो उसमें कोई सेंटर गिवन नहीं होगा आपको, बस एक सर्कल बना होगा जो दो टेंजेंट्स को टच कर रहा होगा और उसकी क्या गिवन होगी, रेडियस वैल्यू यहाँ से। ठीक है, अब जो आपकी रेडियस वैल्यू है वो डायमेंशन में जाके आप रेडियस में जाके रेडियस वैल्यू शो कर सकते हो, और डायमीटर में जाके डायमीटर, डायमीटर शो करता है वाई के साथ और रेडियस शो करती है आर के साथ। अगर डायमीटर लेना है तो आप यहाँ से डायमीटर ले सकते हो और रेडियस के लिए यहाँ से रेडियस ले सकते हो, ये कमांड डाल सकते हो डायमेंशन रेडियस के लिए डायमेंशन डायमीटर के लिए डालोगे DDI और रेडियस के लिए डालोगे DRI, अगर कमांड आपने यूज करनी है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे छह टाइप के सर्कल हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें किसी ड्राइंग की बात करें, अगर हमने मान लो कोई ड्राइंग बनानी हो तो हम इसमें ड्राइंग्स बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स की ड्राइंग्स होती है, जैसे हम कोई बेसिक ड्राइंग ले लेते हैं, इसमें अगर हमने कोई बेसिक ड्राइंग बनानी हो इसमें हमारा जो पीछे वाला कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कल की, ठीक है, तो हमने सर्कल ड्रॉ करना है। अब बात करें, देखो ये मेरे पास सर्कल की ड्राइंग्स होती हैं, आप ये सर्कल की ड्राइंग्स आप देख रहे हैं, आप ये बना सकते हैं। जैसे ये वाली ड्राइंग है, ये है, ये वाली ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग है, इसमें सारा सर्कल हमारा डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे यही ड्राइंग बनानी है, ये वाली जो ड्राइंग है,
अब इसको बनाऊंगा कैसे? देखो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे सेंटर दे रखे है 22 से है, 65 से है, तो आपने इसको कैलकुलेट नहीं करना, माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब जैसे मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सेंटर बता देता है, तो अगर इस लाइन का मैं ऑफसेट ले लूंगा यहाँ से 22 के डिस्टेंस पे, 65 के डिस्टेंस पे, तो इसको बना सकता हूँ। अब इसको बनाऊंगा कैसे, जैसे ये बनानी है, तो सबसे पहले जब आपके पास लेंथ और विड्थ पता हो तो आप रेक्टेंगल बना के चलो। जैसे यहाँ से यहाँ ऑर्थो ऑन कर दिया स्ट्रेट लाइन के लिए 48, ठीक है, जूम कम कर लो, ठीक है, ताकि उसमें दिखे, और 241 फिर से जूम कम कर लो, क्योंकि मैंने कोई एरिया नहीं सेट किया है, तो मैंने 48x241 का एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसकी डायमेंशन करनी है, इसके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 22 के डिस्टेंस पे एक सर्कल बना हुआ 40 के डाया का, तो मैंने ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट क्यों, ऑफसेट का मतलब क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक लाइन की पैरेलली लाइन लेनी है। अब मैं इसके पैरेलली क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसके पैरेलली लाइन ले लूँगा यहाँ से तो 22 के डिस्टेंस पे आ जाएगी, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग मैंने ऑन कर रखी है तो इसका मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली बता देगा। तो मैं इस पॉइंट से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डायमीटर दे सकता हूँ, बट अगर कैलकुलेट करता तो मुझे प्लस माइनस करना पड़ता। तो अब मैं सारी वैल्यूज के क्या करूंगा, ऑफसेट ले लूंगा। क्यों ले लूंगा, क्योंकि अगर ड्राइंग देखोगे तो सारी लेंथ की जो वैल्यू है वो ग्राउंड से जो एंड पॉइंट है उससे दे रखी है, जैसे यहाँ से 22 है, इसी पॉइंट से 65 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपने ऑफसेट ले सकता हूँ। जैसे 65 आ गया, फिर 111 आ गया, यहाँ से मैं मल्टीपल ऑफसेट ले सकता हूँ। अब मुझे बनाना है, तो अब मैं कुछ ही चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो 32 का डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से फिर डायमीटर ले लिया, ठीक है, और मैंने कर दिया 28 का डाया है। अब इसकी डायमेंशंस करनी है, तो डायमीटर के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखो डायमेंशन तो मैंने कर रखी है, बट अब मुझे दिख नहीं रही है डायमेंशन कि वो गलत है ये सही है। अब पर मैं जूम कर रहा हूँ तो मुझे डायमेंशन दिखाई दे रही है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे दोनों चीज़ें देखनी है, ड्राइंग भी देखनी है और डायमेंशन भी देखनी है। तो डायमेंशन से रिलेटेड जो भी चेंज होगा वो डी में होगा जाके, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मॉडिफाई का। अब मॉडिफाई में, अब पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी यूनिट्स के बारे में, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। अब मुझे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर रखना हो कलर रख सकते हैं, ठीक है। अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से होती है टेक्स्ट की हाइट, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू कर दी 5, तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता है। अगर टेक्स्ट के ऊपर अगर ने राउंड लगाना हो तो आप यहाँ से ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्रेम हो जाएगी, टेक्स्ट के अराउंड आ जाती है। ये पोजिशनिंग है कि सेंटर वर्टिकल कैसे प्लेस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कैसे प्लेस हो रहा है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। अब अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे तो सारी साइड हॉरिजॉन्टल ही चल रही है, अगर आप अलाइन कर दोगे देखो अलाइनमेंट, जैसी डायमेंशन होगी उसी के अकॉर्डिंग लिखेगा, सेम एज इट इज आईएसओ स्टैंडर्ड है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बट अभी हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट की हाइट चेंज कर दी, सेम एज इट इज सिंबल एंड एरो आता है, आप सिंबल एंड एरो का साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 2.5 कर दिया, ठीक है। अब प्राइमरी यूनिट्स पे जाते हैं, अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसका प्रिसीजन 0 भी कर सकता हूँ ताकि वो और अच्छा दिखे। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज कर दिया, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है डायमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है आपको, देखो यहाँ पे और बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा कर सकते हो, डी एंटर किया। अब टेक्स्ट का साइज मैंने यहाँ पे 5 के बजाय 4 के बजाय 5 कर दिया, ठीक है, ओके कर दो, सेट करंट कर दो और क्लोज कर दो, आपका साइज और इंक्रीज हो जाएगा। अब साइड की डायमेंशन करनी थी तो आप लीनियर में जाके इसकी डायमेंशन कर सकते हो यहाँ से यहाँ। अब इसका जो गैप रखा जाता है वो 0.5 से लेके 15 mm तक आप रख सकते हो, पर ये जो गैप है, अब इसमें जितनी भी डायमेंशन करोगे आप, उनका गैप सबका इक्वल होना चाहिए, जैसे इसकी कर रहे हो, कि ऐसा ना हो कि एक डायमेंशन यहाँ कर दिया और एक यहाँ कर रहे हो, नहीं, आपने इक्वल ही रखनी है जो डायमेंशन आपने दिखानी है इस तरह से, ठीक है। अब बाद में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इन लाइनों की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको सेलेक्ट करो, ठीक है। ये मैंने किस लिए ले रखी थी, ताकि मैं सेंटर पॉइंट ले सकूं, तो सिलेक्ट किया और डिलीट, ठीक है। इस तरह से मैं कर सकता हूँ। होप सो आपको सर्कल कमांड समझ में आई होगी, साथ में हमने डायमेंशंस में जो चेंजेस होते हैं वो भी पढ़े, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के लिए भी पढ़ा। तो इसको रिवाइज करना, कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेरी रहेगी, तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच।